अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाई थी खीर, यानी कल बनाई थी खीर और एक लीटर दूध की। तो ये खीर है चावल की वैसे तो, मगर ये इसको हम बोलेंगे शाही खीर विथ कैरेमल के साथ, ठीक है। तो मैंने ये आधी कटोरी से कम चावल भिगाई थी और आधी कटोरी दूध का पाउडर, आधी कटोरी शक्कर थी। तो एक लीटर दूध जब मेरा बॉयल हो गया था तो उसमें मैंने ये चावल का पानी निकाल दी थी, यानी जो इसमें पानी था वो फेंक के फिर इसमें चावल ऐड कर दी थी मैंने। और हाँ, चावल को 3 घंटे के लिए हम भिगा के पहले ही रख देंगे, या तो 2-3 घंटे के लिए। तो फिर ये मैंने चावल उसमें रख दी, मतलब डाल दी थी, और इसको स्टर मतलब चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हम चावल जो इसमें डाले हैं वो नीचे लगे नहीं और अच्छे से पक भी जाए। तो कम से कम इसमें हमारा प्रोसीजर 20 से 25 मिनट का रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको लगातार उबालते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे कि हमारे चावल भी गल जाए और लगे भी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट में दूध भी कम हो गया था और चावल भी ऑलमोस्ट गल गए थे और अच्छा गाढ़ा सा हो गया था, जैसे रबड़ी के जैसा। देखिए कितना मस्त माशाल्लाह रबड़ी जैसा हो गया था। फिर हम इसके अंदर दूध का पाउडर ऐड कर देंगे जब चावल अच्छे से गल जाए। तो जो मैं आधी कटोरी दूध का पाउडर रखी थी तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। और आपको तो पता है दूध का पाउडर भी मीठा रहता है, तो शक्कर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। तो ये मैंने ऐसी डाल दी थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें लम्स हो जाएंगे तो आप इसमें पहले से दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप खीर में डाल देना। तो ये मैं ऐसी डाली थी तो स्लो स्लो वो मिक्स ही हो गया था, लम्स नहीं रह गए थे कुछ। फिर मैं आपको बता भी रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने पाउडर बचा दी थी तो उसके अंदर थोड़ा दूध डाल के उसको मिक्स करके वो भी इसमें ही ऐड कर दी थी। तो ये देखिए लम्स कुछ भी नहीं थे, सब हो गया था अच्छे से, अच्छी गाढ़ी गाढ़ी भी हो गई थी। फिर आप ऐसा भी करना, मतलब ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बाई चांस लम्स रह जाएंगे। तो हम वही दूध के पाउडर में दूध थोड़ा सा ऐड करके उसको मिक्स करके हम वो उसमें ही डाल देंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से बॉयल हो गया था और मिक्स भी अच्छे से हो गई थी खीर में दूध का पाउडर। तो आप यहाँ से, दूध का पाउडर मीठा रहता है ना, तो आप शक्कर ध्यान से अपने हिसाब से डालना, ज़्यादा नहीं हो जाए कहीं। तो फिर बस 5 से 6 मिनट के बाद जब ये भी हो जाए तो हम इसमें शक्कर जो बताई थी आधी कटोरी वो ऐड कर देंगे। आधी कटोरी है तो उसमें से थोड़ा ऐड इसमें कर देंगे और थोड़ा का हम लोग कैरेमल कर वो कर देंगे, कैरेमल कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये बाय चांस जैसे बीच बीच में सा धुंधला धुंधला सा लग रहा है ना, तो कैमरे की इससे, बाकी सब और सही है। फिर ये देखिए आधी कटोरी शक्कर था तो मैंने उसको पहले टॉप में, आप ना अगर लगता है कि आपकी शक्कर जल जाएगी तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आधी शक्कर डाल सकते हो। उसको स्लो पे मतलब कैरेमल होने तक, मेल्ट होने तक उसको चम्मच चलाते रहना। और हाँ, इसको ज़्यादा मतलब जो शक्कर हमारी कैरेमल करना है उसको ज़्यादा डार्क ब्राउन या काली मत कर दें, तो वो कड़वा सा बना देगा, कड़वा कड़वा हो जाएगा। तो हल्का ब्राउन यानी थोड़ा सा ब्राउन कलर भी हो जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और जो अपनी शक्कर थोड़ी सी बचाई थी वो हम इसमें खीर में ऐड कर देंगे। ये देखिए जब तक हम इसमें खीर में ये शक्कर ऐड करें तो वो उसमें मिक्स भी हो जाएगी और साइड में हमारा कैरेमल भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें मस्त हमारी खीर अच्छी दूध के पाउडर डालने से गाढ़ी हो गई थी। अगर आपके पास दूध का पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप खोआ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और कोई बात नहीं, खोआ भी कर सकते हो या तो फिर दूध का पाउडर। तो फिर बस देखिए शक्कर भी अच्छे से घुल गई, जब तक हम अपने जो कैरेमल रखे हो उसका देखते क्या हाल है। और हाँ, देखिए इलायची पाउडर, जब हमें अच्छे से शक्कर वक्कर घुल जाए तो हम उसमें इलायची पाउडर या से इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और इससे टेस्ट भी खीर में बहुत अच्छा आता है। तो हम उसमें या से इलायची पाउडर ऐड कर देंगे ताकि खुशबू और टेस्ट में भी अच्छी रहे। इसको स्लो स्लो हम चम्मच से मिक्स कर देंगे, यानी स्पैचुला जो भी आपके पास है उससे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मेरी खीर पकते पकते अच्छी गाढ़ी हो गई थी। तो ये देखिए कैरेमल ऐसी लाइट लाइट ब्राउन, स्लो पे करना, ज़्यादा हाई पे नहीं तो ये काली हो जाएगी। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे, हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसको बंद कर देंगे, तो ये जल जाएगी। ये देखिए हल्का कलर आ रहा है, इसी तरह से हमको कैरेमल करना है।
ज़्यादा डार्क मत करना, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कैरेमल खीर जो बोल रहे हैं ना, तो वो कैरेमल नहीं रहेगी, कड़वी खीर बन जाएगी। तो अगर आपको चाहिए इससे डार्क, तो इसमें लाइट कलर आएगा, मगर फिर भी अगर आपको इससे थोड़ा डार्क चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी ऐसे इसमें डाल देना, नहीं तो फिर मालूम पड़ा कि आपकी मेहनत पूरी ख़राब हो गई और आपकी शाही खीर कड़वी खीर बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया था मेरा कैरेमल और मेरी खीर भी तैयार हो गई थी अच्छे से, और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। तो आप इसको बनाना और बना के चख के फिर मुझे टेस्ट करके बताना कि सही में आपने जो बनाया अच्छी बनी क्या नहीं। मेरी तो बहुत अच्छी बनी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।